2024 का अगर आपकी सरकार बनती है या 2024 तक फिर से रिपोर्ट आएगी तो उसमें क्या एक्सपेक्ट करते हैं सर? खत्म ही करना है हमको, तब तक रहना है, आपका समर्थन चाहिए। विकास भदौरिया जी, सर मेरा सवाल ये है कि लास्ट मंथ का जो ट्रेड डेफिसिट था वो 38.12 बिलियन डॉलर था। जो लक्ष्य रखा था इस सरकार ने जब मोदी सरकार की शुरू हुई तो 5 बिलियन इकॉनमी, ये जो पैंडेमिक आया क्या उसकी वजह से जो लक्ष्य हासिल करने का जो समय सीमा बढ़ाया और इस ट्रेड डेफिसिट के साथ क्या हम लक्ष्य हमें प्राप्त? हमारी कोशिश है, अभी तक तो देखिए लड़खड़ाने नहीं दिया, इतनी बड़ा पैंडेमिक आया, यूक्रेन आया, सब कुछ आया, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम कुछ उसको आगे बढ़ाएं। ऐसा है कि आप जब आप फ्लाई करते हो तो वेदर कितना अच्छा है उस पर डिपेंड करता है, लेट्स सी हाउ द वेदर वर्क्स, इट्स नॉट ओनली ऑन अस, तो बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करेगा, लेकिन हमारा इंटेंशन क्लियर है कि हमको जाना है एज फास्ट एज वी कैन। अब ये इस तरीके का देखिए, ये तो मेरे को किसी इकोनॉमिस्ट से पूछना पड़ेगा, लेकिन हम आपको जनरल टर्म में यही बताएंगे कि वी विल गो एज फास्ट एज वी कैन। राहुल श्रीवास्तव जी, एक मिनट, राहुल श्रीवास्तव, नहीं आपको ये गलतफहमी है, अभी पूरी टिकटें बटी नहीं है, नंबर एक। दूसरा, पार्टी किस तरीके से सोचती है ये इतना थोड़ा हमारे लिए छोड़ दीजिए। राहुल श्रीवास्तव जी, देखिए सांस्कृतिक विकास की बात हमने की, वो हम हमेशा करते रहे हैं, लेकिन ये इश्यूज जो है ये इश्यूज भारत के संविधान और कोर्ट के तहत होते हैं, तो ये कोर्ट और संविधान तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी उसको लेटर ऑफ स्पिरिट में इंप्लीमेंट करती है। नो एजेंडा कैसे, देखिए दैट वी हैड गॉन फॉर अ रेजोल्यूशन ऑन राम जन्मभूमि इन पालमपुर रेजोल्यूशन, आफ्टर दैट देयर हैज बीन नो रेजोल्यूशन। सुकेश रंजन जी, सुकेश वेंकट जी, आपका भी एक मिनट, सुकेश जी फिर उसका वेंकट जी। देखिए हम सभी इश्यूज के बारे में चिंतित रहते हैं और सभी इश्यूज के बारे में हम चर्चा करते हैं, लेकिन थोड़ी पब्लिक मेमोरी ध्यान में नहीं आती है, कब लोगों ने टैक्स के लिए पेट्रोल के और डीजल में कटौती की, कब उन्होंने 3% से नीचे इन्फ्लेशन रेट को रखा, तो हम यही कह रहे हैं वी आर डूइंग एज मच एज वी कैन डू, वी आर रिस्पॉन्सिव, वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी आर प्रोएक्टिव। वेंकट जी लास्ट पूछे, ठीक है ना? एक एक वेंकट जी, एक एक सवाल, फर्स्ट सजेशन यू इज वेल टेकन, that app part, you have asked about growth of Tamil Nadu, till now it is organic growth, we are trying to see to it that how we can go as what best we can do, aur isme aapne jo ye app bataya this will be very helpful to us, teesri baat aapne kahi hai your request will be put forth। Mitro main kshama chahta hu ki kyunki bahut log sawal puchna chahte hain, abhi aapko
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी सवाल और बातचीत करने का मौका मिलेगा हम लोगों के बीच। आदरणीय रक्षा मंत्री वो ऑफ द रिकॉर्ड होगा, राजनाथ जी भी रहने वाले हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी भी हम लोगों का चाय में भी पीजे जलपान में जुड़ने वाले हैं। आप लोगों से एक और आग्रह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी काफ़ी तेज भार आंधी तूफान आया है तो कुछ व्यवस्थाएँ जरूर कम करनी पड़ी हैं, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग उसके लिए चाहिए होगा। एक छोटे हॉल में करना पड़ रहा है, इसलिए आप सब लोग उस पर सहयोग करेंगे। आप सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल कर रहे थे और जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारी सरकार ने यहाँ पर काम किया है और किस तरीके से विकास के कार्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे आती रही है, चाहे परिस्थितियां कोई भी हो। कोरोना काल में भी गरीबों को मुफ्त राशन दिया, मोदी सरकार के 8 साल का लेखा जोखा जो है वो आज जनता के सामने रखा गया है। मोदी सरकार 8 साल में कितनी असरदार रही है इसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। जनता की सेवा के लिए हम समर्पित हैं और उज्ज्वला योजना से महिलाओं का सशक्तिकरण जो है हुआ है। जेपी नड्डा के प्रेस कॉन्फ्रेंस आप फिलहाल सीधा प्रसारण जो है वो देख रहे थे। गांवों को तक इंटरनेट पहुंचाया गया है और कोरोना काल में भी गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया, चाहे परिस्थितियां कोई भी हुई लेकिन सरकार द्वारा किसी भी स्थिति में यहां पर दिक्कतें जो थी वो लोगों तक नहीं पहुंचने दी गई।